26 जनवरी से पहले खुफिया विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नारनौल से 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेशी एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 10 पुरुष, 5 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। खुफिया विभाग के जिला इंचार्ज ने बताया कि 26 जनवरी के चलते सर्च अभियान के तहत शक होने और भारतीय नागरिक होने का कोई भी दस्तावेज न दिखाने के कारण इन लोगों को गिरफ्त में ले पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही ये लोग लगातार ढाका में कॉल कर रहे थे, जिससे ये पकड़ में आए। इन्हें अब वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह है कि 26 जनवरी के मद्देनजर सीआईडी चीफ की तरफ से हमें आदेश है कि जो भी संदिग्ध विदेशी नागरिक, चाहे रोहिंग्या हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं या कोई और संदिग्ध हैं, जो भट्टों पर या कहीं होटल पर, धर्मशाला में, जहां भी रुके हुए हैं, उनका सर्च अभियान चलाएं। उसी के तहत यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान गाँव गुआणी में जब हम आरके भट्टा पर गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो अपना पता सही नहीं बता सका, और जब उससे वो पहचान मांगी तो उसके पास हिंदुस्तान की कोई पहचान नहीं थी। बाद में उसने स्वीकार किया कि मैं तो पश्चिम बंगाल का हूँ, लेकिन फिर उस पर दबाव देकर पूछा गया तो पश्चिम बंगाल का भी कोई कागज नहीं दिखा सका। बाद में उसका जब मोबाइल देखा तो मोबाइल में उसकी कॉल ढाका में 088 कोड से की हुई काफ़ी मिली, तो जिसके आधार पर हमें संदेह हुआ और उससे पूछताछ की तो उसने अपना पता बताया कि मैं कुरीग्राम बांग्लादेश का हूँ, मेरा सिर्फ जिला जानता हूँ, मैं बचपन में ही आ गया। वहीं सदर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने कहा कि इन सब के खिलाफ विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत FIR दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूचना मिली थी कि पहलवान भट्टा नूनी में कुछ मतलब प्रवासी मजदूर हैं जिनके बांग्लादेशी होने का शक है, जाके वहाँ पे छापेमारी की, उन लोगों को इकट्ठा करके पूछताछ की गई तो पता लगा कि वही 27 व्यक्ति हैं जो बांग्लादेशी थे और काफ़ी समय से मतलब इन भट्टों पे काम कर रहे थे, जिनमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है पुलिस प्रशासन? कल इनके खिलाफ फॉरनर एक्ट में FIR लॉन्च कर दी गई थी और आगे पूछताछ जारी है, देखते हैं क्या। अभी तो जो इन्होंने बताया कि भाई ये लोग धीरे धीरे करके बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली और दिल्ली आके सेटल हुए और वहाँ से धीरे धीरे मतलब आसपास के राज्यों में मतलब चले जाते हैं। नहीं, अभी तो इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, पूछताछ कर रहे हैं इनसे। बता दें कि 26 जनवरी को लेकर पूरे देश में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है ताकि देश में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के दिन कोई घटना न हो। नारनौल से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।